सो स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास। आज स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ऑर्गेनिजम्स का लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैरेक्टरिस्टिक दे प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। ओके, सो दिस प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। क्लियर। सो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या है प्लांट्स का, फर्स्ट देखेंगे। जो वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स क्या है? द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट प्ले मेजर रोल इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट। लाइफ साइकिल प्लांट के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि फूड प्रिपेरेशन करना, फूड ट्रांसपोर्ट करना, वाटर न्यूट्रिएंट्स ये ट्रांसपोर्ट करना, उसको हम वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं। जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीव्स है, ये सभी वेजिटेटिव पार्ट्स है। फिर आता है हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ओके, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या क्या है? दीज पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो पार्ट ऑफ द प्लांट दैट प्ले मेजर रोल इन दी रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन प्लांट, जैसे कि फ्लावर्स, फ्रूट्स। ओके, सो दीज आर दी रिप्रोडक्टिव प्लांट्स। रिप्रोडक्शन प्लांट का रिप्रोडक्शन हम टू टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है जो न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस विदाउट यूजिंग द सीड, अगर विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सीड न्यू प्लांट्स प्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस में जैसे कि लीव्स है या स्टेम है, रूट है, दे पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन। देन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सीड। देन इन दिस प्रोसेस फ्लावर्स ऑफ द प्लांट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। देन हम बोलते हैं रूट क्या है, शूट क्या है, व्हाट इज रूट एंड शूट। ओके, जो रूट जो एबव पार्ट उसको हम शूट बोलते हैं, जो यंग प्लांट दैट इज उसको हम शूट बोलते हैं। जनरली इट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज स्टेम, लीव्स, फ्लावर, मतलब एबव द सॉइल, दैट इज जनरली शूट पार्ट, जिसमें स्टेम लीव्स रहता है। ओके, देन नोड क्या है, द पार्ट ऑफ द स्टेम और ब्रांच बोल सकते हैं, फ्रॉम हेयर द लीफ एराइजेस। ओके, फ्रॉम हेयर द लीफ एराइजेस, जैसे कि इन शुगर कैन इन नोड इज मोर प्रोमिनेंट। ओके, देन वेजिटेटिव बोर्ड्स, समटाइम्स जैसे कि बोर्ड्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स, ओके, दैट आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग टू शूट। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव बोर्ड बोलते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फास्ट देखते हैं, ये नाम से पता चलता है कि टेक्स प्लेस इन द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे कि ओनली वन पेरेंट प्रोड्यूस द आइडेंटिकल और ऑफस्प्रिंग इन द वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेचुरल मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन देखते हैं, बाय रूट्स, थ्रो, दैट मीन्स थ्रो रूट प्लांट इज प्रोड्यूस, जैसे कि इन केस ऑफ स्वीट पोटैटो। ओके, दैट इज प्लांट्स दैट हैव ट्यूबरस रूट, रूट व्हिच आर यूज्ड एज स्टोरेज ऑर्गन इन प्लांट्स पार्टिसिपेट इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जनरली रूट्स जो स्टोरेज होता है, फूड स्टोर करता है, इट टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सो इन ऑर्डर टू ग्रो न्यू प्लांट्स दीज ट्यूबरस रूट आर सोन इन द सॉइल। ओके, सो न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो ट्यूबरस रूट को हम सॉइल में सोन करते हैं। ओके, एंड दीज आर द बोर्ड्स प्रेजेंट ऑन द फ्रूट्स एंड ग्रो अबव द ग्राउंड द न्यू प्लांट्स फॉर्म। ओके, सो बोर्ड्स फ्रूट्स के में प्रेजेंट रहते हैं, अबव द ग्राउंड करते हैं, न्यू प्लांट फॉर्मेशन होता है, जैसे कि स्वीट पोटैटो, डालिया, ये सभी होता है। ओके, देन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम, स्टेम से होता है, ये सभी आप लोग को याद रखना है। स्टेम में देखो, स्टेम ट्यूबर्स, जैसे कि ट्यूबरस रूट है, सम प्लांट्स का ट्यूबरस स्टेम भी है, ठीक है, जैसे कि स्टेम ट्यूबर, उसमें क्या होता है, नोड्स रहता है, न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं। ओके, ये नोड्स जो है बोर्ड पेयर करते हैं, जो बोर्ड से न्यू प्लांट्स होता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं पोटैटो में। ओके, पोटैटो जे स्टेम ट्यूबर। देन आता है रनर, रनर देखो, सम प्लांट्स, ओके, ग्रो एलोंग विथ द ग्राउंड, ओके, एंड कंटेन मॉडिफाइड स्टेम, उसको हम बोलते हैं रनर। रोनर कंटेन द बोर्ड, जिसमें कि वो बोर्ड क्या करता है, प्रोड्यूस रूट एंड स्टेम, वो क्या प्रोड्यूस करता है, रूट एंड स्टेम प्रोड्यूस करता है, एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी में। ओके, देन आता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय लीव्स। ओके, लीव्स में होता है, जैसे कि सम प्लांट्स में लीव्स में बोर्ड होता है, ठीक है, जैसे कि प्लांट हम बोल सकते हैं ब्रायोफाइलम, यू मस्ट हैव सीन द रूट साइड, जो ब्रायोफाइलम उसमें से लीव्स से न्यू प्लांट ग्रो होता है। क्लियर, देन फिर हम आर्टिफिशियल मोड वेजिटेटिव प्रोपागेशन हम करते हैं खुद, इसलिए उसको आर्टिफिशियल मोड किया जाता है,
जैसे कि कटिंग, हम क्या करते हैं एक प्लांट का क्या किया, हम प्लांट का कट करके हम क्या किया, कटिंग पार्ट ऑफ दी स्टेम और ब्रांच को क्या करते हैं हम लगाते हैं, फिर उसमें एक नए प्लांट ग्रो होता है जैसे कि रोज में, ठीक है, क्योंकि रोज का जैसे कि एक स्टेम लेके कट करके हम लगा दिए, फिर वहाँ से न्यू प्लांट ग्रो हुआ, ये दैट इज दी बेसिक कटिंग प्रोसीड्योर है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, देखिए और एक प्रोसीड्योर ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्टिंग में क्या होता है टू प्लांट्स को हम क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं, ठीक है, सो बोथ देन प्रोवाइड टीजर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब अगर ज्वाइन किए हम दोनों का कैरेक्टरिस्टिक, जो न्यू प्लांट प्रोडक्शन होगा उसमें क्या होगा टू प्लांट्स का टीजर कैरेक्टरिस्टिक उसमें आएगा न्यू प्लांट में, ठीक है, सो वन प्लांट्स क्या होता है रूटेड रहता है, मतलब सॉइल में रहता है ग्राउंड में, जिसको हम स्टॉक बोलते हैं, ठीक है, और उसका काम क्या है जैसे कि सॉइल में रहता है, मतलब ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वाटर प्रोवाइड करेगा, और अनदर प्लांट का अदर प्लांट का जो स्टेम है उसके साथ अटैच रहता है, ओके, सो इसी टाइप का है कि न्यू प्लांट डेवलप करता है, ठीक है, जैसे कि एप्पल्स में होता है, ठीक है, एप्पल्स में इसी टाइप का करते हैं। एडवांटेज ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसमें क्या क्या हमें एडवांटेजेस मिलते हैं देखते हैं, देखो जो इसमें क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत फास्ट होता है, ओके, दैट आर प्रोड्यूस विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में, ओके, एंड जब प्लांट प्रोड्यूस होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में फ्रूट से फ्लावर से क्विक टाइम में, मतलब वेरी लेस टाइम में हमें मिलता है, और प्लांट्स का फ्रूट मिलता है हमें, ओके, और जो प्लांट प्रोडक्शन होता है उसमें सेम कैरेक्टरिस्टिक एग्जैक्टली दी सेम कैरेक्टरिस्टिक दर पेरेंट्स, पेरेंट्स का एग्जैक्टली सेम कैरेक्टरिस्टिक उसमें आता है, ओके, देन डिस्कशन करेंगे वी डिस्कस अबाउट बोर्डिंग, क्लियर, जो ईस्ट जो ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल है, इट इज ए फंगाई है, प्लांट नहीं है, ठीक है, एंड ये प्रोपागेट करता है एवरी फ्यू आवर्स में प्रोपागेट करता है अगर उसमें न्यूट्रिएंट अवेलेबल है तो, ठीक है, सो एज ईस्ट उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो स्मॉल बॉल लाइक प्रोजेक्शन उसमें प्रोड्यूस होता है ईस्ट से, उसको हम बोर्ड बोलते हैं, एंड ब्रॉड क्या होता है बोर्ड ग्रो ग्रेजुअली ग्रो होता है, एंड ये जो बोर्ड डिटैच होता है पेरेंट प्लांट से, ठीक है, बोर्ड ग्रो हुआ फिर डिटैच होकर न्यू प्लांट में डेवलप होता है, क्लियर, सो दी जो न्यू जो सेल है, ओके, इट ग्रो मेजर्स एंड प्रोड्यूस मोर सेल अगेन, इट में प्रोड्यूस मोर सेल ऑल्सो, ठीक है, समटाइम्स क्या होता है उसमें जो प्रोड्यूस होते हैं चेन ऑफ बोर्ड्स फॉर्म होता है, ओके, वहाँ से हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट ऑल टुगेदर मिलता है, ठीक है, ये दिस प्रोसेस हमें रहता है बोर्डिंग में। फिर देखते हैं हम फ्रैगमेंटेशन, देखो जैसे कि एल्जी लाइक जो स्पाइरोगाइरा है जनरली ये प्रोसेस में रिप्रोडक्शन करता है फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस में, ठीक है, उसमें क्या होता है डिवाइड देमसेल्फ इन मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सो एज सून एज जो एल्जी को एनफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो फ्रैगमेंट होता है और न्यू इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स करता है, ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है, एंड एल्जी जो मल्टीप्लाई इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, तुम डायग्राम में उसका डायग्राम देख सकते हो कैसे होता है। देन आता है हमारा स्पोर फॉर्मेशन, देखो प्लांट में स्पोर कंटेन करता है जो कि फ्लोट करता है एयर में एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज करता है, स्पोर का एक हार्ड प्रोटेक्ट कवर है, उसका काम करना है जो अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करना है लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है, सो एज ए रिजल्ट क्या होता है स्पोर्स ट्रैवल करता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है और सर्वाइव करता है लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम के लिए सर्वाइव कर सकता है, ओके, सो जब भी इट गेट ए फेवरेबल कंडीशन, जब भी उनको मिलता है फेवरेबल कंडीशन जैसे कि मॉइस्चर न्यूट्रिएंट्स, वो क्या करता है जर्मिनेट करता है और न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है मॉस या फॉर्न इसे इसमें में प्रोपेगेट करता है, ओके, फिर देखते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे प्लांट में होता है, देखो फ्लावर्स ऑफ प्लांट इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसको डायग्राम में देखो उसको हम स्टामेन बोलते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसको हम पिस्टिल बोलते हैं, जो फ्लावर में बोथ स्टामेन एंड पिस्टिल है उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, जैसे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया लिली हो गया रोज हो गया ब्रिंजल हो गया हिबिस्कस हो गया पेटूनिया हो गया मस्टर्ड हो गया, ये सभी बाइसेक्सुअल फ्लावर में आता है, ठीक है, और फिर कुछ फ्लावर क्या है आइदर स्टामेन है या पिस्टिल है तो ओनली वन सेक्स प्रेजेंट है इसलिए उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, जैसे कि पोपाया है वाटर मिलियन है कोकोनट है कुकुम्बर है ये सभी
यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जाता है। जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है उसमें बोथ पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक से एंड इट पार्टिसिपेट इन दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टैमेन में क्या क्या पार्ट देखो, एंथेर है और पोलन ग्रेन से, ओके। और जो पोलन ग्रेन से, इट पोलन ग्रेन प्रोड्यूस दी मेल गेमेट। पोलन ग्रेन क्या करता है, मेल गेमेट प्रोड्यूस करता है, ओके। पिस्टिल में क्या है, थ्री स्ट्रक्चर है पिस्टिल का, थ्री पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा का एक स्टिकी सरफेस है जहाँ पर कि पोलन ग्रेन अटैच होता है, ओके। देन स्टाइल है, स्टाइल ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अटैच करता है स्टिग्मा टू ओवरी, उसको हम स्टाइल बोलते हैं। देन जो लोअर पोर्सन है उसको हम ओवरी बोलते हैं, ओके। ओवरी में एक्चुअली क्या है, ओवरी में एक्चुअली एग है, इन विच द फीमेल गेमेंट्स और एग आर फॉर्म, ओके। देन द मेल गेमेंट एंड फीमेल गेमेंट फ्यूज एंड फॉर्म दी जाइगोट, ओके। मेल गेमेंट रीच द फीमेल गेमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन, दैट मीन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होता है, उसको हम पोलिनेशन बोलते हैं। पोलन ग्रेन में क्या होता है, एक टॉफ कवरिंग है, ओके, व्हिच अलाउज देम इन सर्वाइविंग डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, जैसे कि हाई टेम्परेचर हुआ, वेरी लो टेम्परेचर हुआ, विंड स्पीड हुआ, तो उसमें सर्वाइव करना चाहिए पोलन ग्रेन को, ये सर नो। सो उसके लिए उसका टॉफ कवरिंग होता है, सो इट कैन सर्वाइव इन डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन में सर्वाइव करता है। और उसका लेड बहुत वेट लेस है, उसको लाइट वेट बोलते हैं हम। सो ड्यू टू दिस लाइट वेट क्या होता है, जो विंड क्या करता है या वाटर कैरी देम एवे फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट्स, दैट मीन्स थ्रो विंड एंड एयर इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओके। सो व्हेन द पोलन ग्रेन अटैच होता है, अटैच टू द इंसेक्ट, ओके, देन इट कैन ऑल्सो ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर भी बोल सकते हैं, ये सुनो, दैट मीन्स व्हेन थ्रो दिस इंसेक्ट, ओके। सो द प्रोसेस हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू अनदर इज कॉल्ड पोलिनेशन, ओके, इज कॉल्ड पोलिनेशन, उसको हम पोलिनेशन बोलते हैं, जो ट्रांसफर होता है उसको हम पोलिनेशन बोलते हैं। सो टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन है, जैसे कि सेल्फ पोलिनेशन या उसको बोलते हैं हम ऑटोगेमी, जहाँ पर क्या होता है पोलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। देन क्रॉस पोलिनेशन और जेनोगेमी, व्हेन द पोलन ग्रेन डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा ऊपर लैंड करता है, वो सिमिलर काइंड है या डिफरेंट काइंड है, उसको हम जेनोगेमी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। देखो जाइगोट फॉर्म होता है बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, ओके। सो दिस फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। देन द जाइगोट डेवलप्स एंड टर्न इन टू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, ओके। डायग्राम देखो, हाउ दिस पोलन ग्रेन जर्मिनेट एंड मूव्स थ्रो, ओके। देन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस द ओवरी एंड ऑफ द फ्लावर गोज, दैट मीन्स ओवरी डेवलप्स इन टू फ्रूट, ओके, ओवरी डेवलप्स इन टू फ्रूट। एंड द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, जो अदर पार्ट्स ऑफ द रिमेनिंग पार्ट्स है वो फॉलो अप हो जाता है, ठीक है। एंड ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, डेवलपमेंट फॉर सीड ऑफ द फ्रूट सीड में कन्वर्ट होता है। एंड एम्ब्रियो क्या होता है, एनक्लोज इन साइड द सीड, एम्ब्रियो क्या होता है, सीड्स के अंदर एनक्लोज होकर रहता है। द सम फ्रूट्स जैसे कि फ्लेसी जूस है, जैसे कि मैंगो हम खाते हैं, एप्पल खाते हैं, ऑरेंज है, वो सब फ्रूट्स आर फ्लेसी एंड जूसी, ओके। एंड सम फ्रूट्स आर हार्ड, जैसे कि डायमंड वॉलनट्स है, तो ये सब क्या है, हार्ड, ओके। देन देखते हैं सीड डिस्पर्सल, कैसे सीड डिस्पर्सल होता है, दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टू डिफरेंट प्रोसेस, दैट मीन्स पेरेंट प्लांट में है डिफरेंट प्लेसेस को ट्रांसफर होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। सीड डिस्पर्सल होने से क्या होता है, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स क्या होता है, डिफरेंट रीजियन में क्या होता है, ग्रो होता है, ओके। ये हेल्प यू है क्योंकि कॉम्पिटिशन ऑफ फूड, जैसे कि एक प्लेस में सभी प्लांट अगर है, उनके बीच में फूड, सनलाइट, वाटर, मिनरल्स क्या होगा, देर विल बी कॉम्पिटिशन। बट इफ यू ट्रांसफर टू अनदर प्लेस, दैट मीन्स दिस कॉम्पिटिशन नेवर हैपेंस, कॉम्पिटिशन नहीं होगा, ठीक है, अलॉन्ग द प्लांट्स, बिकॉज जो सेम प्लांट्स अगर सेम एरिया में है तो उनका डिमांड सेम है, सेम न्यूट्रिएंट चाहिए, ये सब, ओके। सो एंड इट ऑल्सो अलाउज देम टू ग्रो इन डिफरेंट हैबिटेट, डिफरेंट हैबिटेट में ग्रो कर सकते हैं, ओके। सो डिस्पर्सन ऑफ, जो सीड डिस्पर्सन होता है कैसे होता है, फास्ट देखते हैं हम विंड में, ठीक है।
विंड में कौन सा टाइप ऑफ सीड प्रोपागेट है, जैसे कि ड्रम स्टिक है, मेपल जिसको हम विंग सीड बोलते हैं, ओके, देन ग्रासेस होता है जैसे कि लाइट वेट सीड है, हाक जैसे हेयरी सीड है, सनफ्लावर हेयरी फ्रूट से, ओके, देन आता है सीड्स ऑफ ड्रम स्टिक, मेपल, हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, हेयरी सीड ऑफ मटर, हाक, ये सभी है। देन आता है हमारा वाटर, वाटर जनरली किसमें होता है, बाई दी कोकोनट सीड्स विद स्पॉन्जी एंड फाइब्रस कोटिंग, जो कि फ्लोट होता है वाटर में, ठीक है, कोकोनट सीड ट्रांसपोर्ट होता है, दिस इज दी फॉर्म ऑफ द वाटर। देन आता है एनिमल में, ओके, स्पाइनी सीड है जैसे कि लाइक जांथियम है, यूराना है, ठीक है, ये क्या होता है कि अटैच टू बॉडी ऑफ द एनिमल, के बॉडी में अटैच है के रहता है, जैसे स्पाइनी लाइक है सो अटैच होता है, ठीक है। देन होता है फ्रूट बोस्ट, जैसे कि फ्रूट से बोस्ट हो जाते हैं, बोस्टिंग मैकेनिज्म, जैसे कि कैस्टर है, बाल्सम है, ठीक है, सो बाल्सम प्लांट में इसे सीड डिस्पर्सल दिस टाइप मेथड में होता है। ओके, इफ यू आर व्यूइंग दिस चैनल फर्स्ट टाइम देन सब्सक्राइब दिस चैनल सो टू गेट दी लेटेस्ट अपडेट एंड शेयर विथ फ्रेंड्स सो दे कैन गेट बेनिफिट ऑफ द ऑनलाइन क्लास। थैंक यू।